हे फ्रेंड्स, मैं आरती, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लर्न लाइवली पर। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी, सुपर न्यूट्रिशियस और बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच रेसिपी, और इजी टू प्रिपेयर है, वेजिटेरियन है। रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सिंगल सर्विंग ये रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको प्रोटीन मिल रही है। सिंगल सर्विंग में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रही है। कैसे इसको बनाना है, क्या प्रोसेस है, मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो भी इन्ग्रीडियंट यूज़ किए हैं वो ईजिली अवेलेबल है, पर फिर भी मैं हर इंग्रेडिएंट का एक ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगी, तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस रेसिपी से रिलेटेड जितने भी इंग्रेडिएंट हैं और कैलोरी काउंट, वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ पे एक बार ज़रूर से चेक करें। तो सबसे पहले हमें लेना है एक जार, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिए 5 टेबल स्पून रोल्ड ओट्स। आप इसको हल्का सा भून कर भी ले सकते हैं, और इसको सबसे पहले हमें ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास ओट्स का पाउडर हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें ये ट्रांसफ़र करना है ओट्स को इसमें। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आप यहाँ पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमें इसमें लेना है ये हरी मटर, ये आधा कप हरी मटर है। अगर आपके पास हरी मटर ये फ्रेश वाली नहीं है, जैसा कि अभी सीज़न चल रहा है सर्दियों का, तो इसमें इजीली आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसमें लेना है अदरक और लहसुन, अपने टेस्ट के अनुसार आपको जितना चाहिए हो, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इसको हाई प्रोटीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 ग्राम ये बॉइल्ड सोया चंक्स लिए हैं, और इसके पानी को मैंने अच्छे से निचोड़ दिया है। अगर आपके पास सोया चंक्स नहीं है तो आप यहाँ पे ग्रेटेड पनीर का यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको हमें ग्राइंड करना है। इसमें थोड़ी सी मैं हरी धनिया भी डाल रही हूँ, तो यहाँ पे अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है, एकदम बारीक, आप देख सकते हैं। अब इन सबको हमें इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। बीच में मैंने इसको एक दो बार मिक्स किया है। बहुत ही यूनिक और सुपर टेस्टी ये रेसिपी है, आराम से 2 लोग भी इसमें खा सकते हैं। इसमें आपको कैलोरीज जो हैं वो काफ़ी सही मात्रा में मिल रही हैं, तो इसमें आपको टोटल कैलोरीज जो मिल रही हैं वो 282 मिल रही हैं। सिंगल सर्विंग के लिए बहुत ही फिलिंग ये रेसिपी है, हाई इन प्रोटीन है, जैसे कि मैंने आपको बताया 25 ग्राम के आसपास आपको इसमें प्रोटीन मिल रही है, लेस ऑयल ये रेसिपी है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। आप इसमें अपनी पसंद की और सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर तो मैं ऐड कर ही रही हूँ, आप बीन्स और कैप्सिकम, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो 2 बड़े चम्मच मैंने गाजर लिया है। सारी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ऐड कर रही हूँ मैं हरी धनिया, ऐड करेंगे हम हरी मिर्च, आप रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच आप यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज ले लें। तो यहाँ पे जब हम मटर और सोया चंक्स पीस रहे थे तो इसमें आपको थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च डालना था, ऑप्शनल है, या फिर आप यहाँ पे भुने हुए जीरे और काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला बस ऐड कर रही हूँ, बिना मसाले के भी ये काफ़ी टेस्टी बनता है। पिंक सॉल्ट में ऐड कर रही हूँ एज़ पर टेस्ट, और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप अपने हाथों की मदद से या स्पून से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए, हाथों से इजीली ये मिक्स हो जाएगा, इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है आपका पेस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा गीला है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं, बट मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसको हम 5 मिनट के लिए इसी तरीके से रहने देंगे, ताकि जो ओट्स है वो अच्छे से इसके संग फूल जाएँ, एक अच्छा टेक्स्चर इसका आ जाएगा। तो 5 मिनट के लिए मैं इसको बस इस तरीके से कवर करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, कवर को हटाएंगे। इसमें मैं हींग ऐड करना भूल गई थी, ये ऑप्शनल है, 1 चुटकी हींग ऐड करके अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, और फिर इसकी हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे, कटलेट टाइप का। छोटी छोटी हमें इसलिए बनानी है ताकि वो ईजिली जल्दी से पक जाए, बहुत ही बड़ी बड़ी टिक्कियाँ मत बनाइएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने हाथों में ले लीजिए और इसको थोड़ा सा लड्डू की तरह दबा दीजिए, ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। बस बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आपको बना लेनी है टिक्कियाँ। तो मैं इसी तरीके से सारी बना लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं, पूरी 7 टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं।
बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, हाई प्रोटीन, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स है। आइए आगे के क्या स्टेप है मैं आपको फटाफट बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ये कोल्ड प्रेस्ड सेसमे ऑयल। आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल या घी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको कम से कम यूज़ करना है, नॉन स्टिक पैन में बना रहे हो तो बहुत ही कम तेल में ये बन जाएगा। मैं अभी यहाँ पे ये 1 टीस्पून ऑयल ले रही हूँ और इससे मैं पूरे पैन को ग्रीस कर दूंगी अच्छे से, इस तरीके से। तो 1 से 1.5 छोटे चम्मच ऑयल में आराम से आपकी ये टिक्कियाँ बन जाएंगी, नॉन स्टिक पैन में या तवे पर। अच्छे से ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो टिक्कियाँ हैं इनको हम पैन के अंदर इस तरीके से डाल देंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर। और गैस की फ्लेम को हमें एकदम लो रखना है। लो फ्लेम पर हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, कवर को ओपन करते हैं और इनको हम आराम से पलट कर देखते हैं। ये देखिए बहुत ही लाइट कलर हुआ है इसका। तो अभी हम क्या करेंगे, सभी को इसी तरीके से पलट देंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, कबाब टाइप से ये लगते हैं। आप इनको चाहे तो रोल बनाकर रोटी में लगाकर भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। आप इसे ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने ये रेसिपी पहले कभी ट्राई करी थी और आप इस रेसिपी को क्या नाम देना पसंद करेंगे। फिर से हम लो फ्लेम कर कर इसको अच्छे से कवर कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 छोटे चम्मच ऑयल का बस इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप 1.5 चम्मच तक ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, इजीली बन जाएंगे। तवे को अच्छे से ग्रीस ज़रूर कीजिएगा। तो 5 मिनट के बाद हम आपको फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, आइए चेक करते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं। दूसरे तरफ से भी अच्छे से गोल्डन हो गई हैं और बिलीव में ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इसमें हमने सोया चंक्स का यूज़ किया है और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और आप अगर सिंगल ये सारी टिक्कियाँ खाते हो तो ऑब्वियसली आपका पेट भर जाएगा। मैंने इसमें 1.5 चम्मच की कैलोरी काउंट करी ऑयल की, पर 1 चम्मच सिर्फ यूज़ किया है। 1.5 चम्मच को ऐड करने के बाद इसकी कैलोरीज जो हैं 282 हो रही थी। तो काफ़ी अच्छी कैलोरीज, लो कैलोरी में आपको हाई प्रोटीन मील मिल रहा है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ऐसी रेसिपीज़ आपको अब यूट्यूब चैनल पर मेरे मिलती रहेंगी। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको जल्द मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर।